Hey guys, welcome back to the channel and welcome to the new episode of Tech News. So, yeah, without wasting time, let's get started. तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो निकल गया था ओप्पो रेनो की तरफ से। तो आपको तो पता होगा कि इस मंथ के एंड तक ओप्पो एक नया फोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है ओप्पो रेनो। तो इसके कुछ लीक सामने निकल के आए, तो इसमें जो ओप्पो का रेनो है उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप हो सकता है, और जो इसी का छोटा वर्जन आने वाला है जिसका नाम है ओप्पो रेनो लाइट, तो उसमें भी सभी को लगा कि ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट और पॉपअप कैमरा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ओप्पो का रेनो लाइट है उसमें आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड फिंगरप्रिंट और स्टैंडर्ड कैमरा मिलेगा, तो जो ओप्पो का रेनो लाइट है उसमें शायद आपको पॉपअप कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल नहीं सकता है। तो देखते हैं कि ओप्पो इस मंथ एंड में क्या लॉन्च करता है। इसके बाद वाला जो अपडेट है वो निकल गया था MIUI की तरफ से। तो जो Xiaomi के फोन से उसमें अभी एक नया वर्जन लॉन्च होने वाला है जो कि MIUI 11। तो जो आपने देखा होगा कि MIUI 10 में काफी ज्यादा एड्स आते थे, जब भी आप सेटिंग्स वगैरह कुछ भी जो सिस्टम की एप्लीकेशन उसे ओपन करते होंगे तब काफी वल्गर और काफी अलग अलग एड्स आते थे। तो जो Xiaomi की CEO है उन्होंने कहा है कि जो MIUI 11 आने वाला है उसमें आपको एकदम क्लियर यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा, उसमें बिल्कुल भी आपको एड्स नहीं मिलेगी, कोई भी वल्गर वगैरह एड्स नहीं आएगी उसमें, और इसके साथ इसमें आपको एक नया यूजर इंटरफेस मिलेगा और कुछ नए रीडिजाइन आइकॉन भी मिलेगी। तो देखते हैं कि MIUI इस साल क्या होगा। इसके बाद वाला जो अपडेट है वो निकलेगा था जीमेल की तरफ से। तो आपको तो पता होगा कि 2010 में एक ऐप आया था जीमेल की तरफ से जिसका नाम था इनबॉक्स। तो वो अभी कल परसों 2 अप्रैल को जीमेल ने शट कर दिया, उसे बंद कर दिया है। तो उसका यूजर बेस तो इतना बड़ा नहीं था, काफी बहुत ही कम यूजर उसे यूज करते थे, पर अभी ये एप्लीकेशन बंद हो चुका है। तो जिसके जिसके फोन में इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है, तो वो अभी उसे यूज कर पा रहा है, पर बाकी तो नए यूजर इसे बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है। तो इसके बाद वो जो अपडेट है वो निकल गया था व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि जो आपके नंबर्स कॉन्टैक्ट्स में आपके अवेलेबल नहीं वो भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर देते, बाद में आप उसे रिमूव कर देते। तो एक व्हाट्सएप में नया फीचर आने वाला है जिसका बीटा वर्जन अभी आ चुका है, टेस्टिंग में चल रहा है। तो उसमें आपको एक प्राइवेसी में सेटिंग मिलेगी कि हु कैन ऐड मी इन दिस ग्रुप, एवरीवन, माय फ्रेंड्स एंड नोबडी। तो वहां पे आप माय फ्रेंड्स एंड नोबडी कर सकते हैं, बाद में आपको कोई भी स्पैम ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। तो ये व्हाट्सएप की तरफ से काफी अच्छा अपडेट आ सकता है जिसमें आपको ये प्राइवेसी अगर आप करें तो आपको कोई भी जो आपके अननोन पर्सन से वो आपको कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। तो इसके बाद वाला जो अपडेट है वो निकल गया था गूगल पिक्सल की तरफ से। तो इस साल जो गूगल पिक्सल का नया डिवाइस आने वाला है गूगल पिक्सल 4, तो उसमें लीक्स कहते हैं कि शायद इसमें ड्यूअल कैमरा हो सकता है बैक में भी और फ्रंट में भी, इसी के साथ इसमें हो सकता है ड्यूअल सिम फंक्शनलिटी। तो आपको तो पता ही होगा जो गूगल के पिक्सल डिवाइस होते हैं वो सिंगल सिम में आते हैं, तो शायद इस साल गूगल पिक्सल एक ड्यूअल सिम वाला फोन लेकर आ सकता है। तो उसके बाद वाला जो अपडेट है वो निकल गया था मोटोरोला की तरफ से। तो मोटोरोला एक फोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है P40 पावर। तो इसमें भी हो सकता है बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप और सामने की साइड से पंच होल कैमरा। मोटोरोला तो कॉपी करता है, दूसरा तो कुछ आता नहीं है मोटोरोला को, तो इस बार भी सैमसंग का कॉपी कर दिया पंच होल कैमरा। तो इसी के साथ इसमें आने वाला है 6.2 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले और पीछे की साइड से 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो देखते हैं मोटोरोला भी किस साल क्या लॉन्च करता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे एक बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, दिस इज योर फ्रेंड शिवम साइनिंग आउट।